नमस्कार अधा सत अधा गप गत अध्याय आम देखी रामायण एक मायावी चरित्र मारीचर जीवाश्म संधान पर एक स्वतंत्र अभियान आम टीम छत्तीसगढ़ दंडकारण्य घंच जंगल भितर आरंभ कर एक दुस्साहसिक अभियान एक रहस्यमय गुंफा भितर प्रवेश आम टीम को सामना करने को पड़ा एक भयंकर विपद को गुंफा भितर सिंहर गर्जन शुणापर आम टीम्र समस्त सदस्य प्राण बचाई बाहर को दौड़ी तथापि मनरे दृढ़ संकल्प थिला जहाँ भी हो जाऊ मारीचर जीवाश्म को खोजी बाहर करने को पड़ा देखा आग को कौन घटला बर्षार पहाड़ चढ़ा जीवन को बाजी लगे सामान किंतु आमे ए विपद को आपणेलु आदिवासी माने भी पूर्ण सहयोग करे धीरे धीरे रास्ता दुर्गम होता कादुओरे फसीगलु नदी आम रास्तार प्रतिबंधक सृष्टि कला अनेक थर तले पड़ी आहत भी होछु किंतु आम टीम मारीचर जीवाश्म संधान रे आगे चलिला खूब शीघ्र आम परिश्रम सफल होबा को जाउतिला दंडकारण्य के इस खतरनाक जंगल में दो दिनों का बेहद ही कठिन सफर तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच ही गए हैं हमारे सफर के अंतिम पड़ाव के बेहद करीब। कहते हैं कि बारिश में बहने वाले इसी बरसाती झरने के नीचे आज भी मौजूद है 7000 साल पहले भगवान श्री राम के हाथों मारे गए मारीच के जीवाश्म। लेकिन हमारे सफर का यही अंतिम पड़ाव हमारे लिए बेहद ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मारीच के जीवाश्म तक पहुंचने के लिए हमें सैकड़ों फीट की ऊंचाई से पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ गिरने वाले इस पहाड़ी झरने के नीचे उतरना होगा। आदिवासी माने सूचना देले युग युग तलर ऐतिह खूब पाखरे अवस्थित किंतु सतर्क हो परामर्श भी देले गोटे छुटिया भूल भी मृत्यु मुह को टाणी नहीं पारे। जंगल भितर यह हम आमर द्वितीय राति लक्ष्यस्थल पाखरे थिला सेतेबेले जणे आदिवासी इशारा देले से कहिले एहा हेउची सही पथर जहाकु आमे खोजुछु। दाबी मुताबक एही पथर मारीचर जीवाश्मरु सृष्टि होइछि। मान्यता के अनुसार युगों पुराने यही मारीच के जीवाश्म है। कहते हैं कि इसी जगह पर भगवान श्री राम का बाण मारीच को आकर लगा और इसी चट्टान पर गिरकर मारीच ने अपने प्राण छोड़े। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग ठीक तरीके से देखें तो इस स्ट्रक्चर हमें ठीक इस तरीके से प्रतीत होता है कि जैसे कोई जानवर या इंसान यहाँ पर आकर गिरा हो। गोटिए कथा लक्ष्य करिवार कथा यही पत्थर रंग रूप और आकृति संपूर्ण भिन्न थिला। एभोली खंडिया भी पत्थर आखपाखरे नथिला। इस पत्थर की बनावट को, इस स्ट्रक्चर की बनावट को, इस चट्टान की बनावट को अगर देखा जाए तो इस चट्टान की बनावट आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखें तो हम लोग इस स्ट्रक्चर में अजीब सी दरारें हैं और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से बिल्कुल ही अलग है। फॉसिल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ठीक इसी तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ के जो दूसरे पत्थर है उनकी अगर हम लोग बनावट देखें तो वो पत्थर बिल्कुल अलग है। ये देखिए ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर है, ये बिल्कुल ही उस स्ट्रक्चर से अलग पत्थर है। सतरे कौन यह 7000 वर्ष तलर रामायण प्रतीक विज्ञान अनुजाई यह संभव पर उत्तर आमेरिका रे मिलिथिबा डायनासोर रो जीवाश्म एहाठारु मध्य प्राचीन आउ एही अंचल भी रामपथ सह जोड़ी हुई रही।
इंसानी हड्डियां या इंसानी शरीर जो होता है, जो युगों पुराना होता है, वो तापमान, हवा, पानी और वातावरण के साथ मिलकर इस तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। इंसानी हड्डियां या जानवरों की जो हड्डियां होती है वो इसी तरीके से फॉसिल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चट्टान है और चट्टान के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है। किसी तरीके से इस चट्टान का हिस्सा जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है। आमे कोनो ठीक स्थान रे थिलु? सतरे कोनो एही पत्थर एक जीवाश्म? निष्पत्ति सांगे सांगे ग्रहण करिवार थिला, किंतु किपरि? किछि भाबी भाबी आमे पत्थर को भांगिबा को चेष्टा करू, किंतु एहा असंभव थिला। आदिवासी माने कहिथिले नियारे पकाइले पत्थर जळी जाए एवं सेथिरु हाड़ जळीबा परि दुर्गंध भी आसे। थोड़ी सी नमी है इनमें, गीले है, नीचे जो है पानी में भीग गए थे टुकड़े, जिसके चलते हुए जलने में इन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या सही में ये टुकड़े जो है उसी तरीके से स्मेल करते हैं क्या। सेते बड़े आम टीम एक अविश्वसनीय घटना को सामना कला, जेमिति लाइटर जलिला। ओ गॉड, निया चारिआड़ को व्यापी गला। रुको रुको, फटेगा वो, फटे। आम टीम रो जने सदस्य बुड़ी जीवारू रक्षा पाई गले। हम लोग जीवाश्म के टुकड़ों को जलाने के लिए हम लोग लकड़ियों पर हम लोगों ने पेट्रोल छिड़का और उसमें हम लोगों ने आग लगाई, लेकिन अचानक जो है कि पेट्रोल जो है तेज़ी से भभक उठा और पेट्रोल की जो बोतल थी उसमें भी आग लग गई। किसी समय पर निया लिभिगला एवं यहाँ जहाँ देखिलु ताहा आश्चर्यजनक थिला। पत्थर खंडिये छोट अंश नियारे तरली जाइथिला। जदि यह पत्थर होइथांता ताहाले एमिति घटि नथांता, अर्थात पत्थर रे किछि जीवाश्म थिबार संभावना अछि। हाड़ जळिबा परि दुर्गंध भी आसुथिला। एबे जानिबार थिला पत्थर केते प्राचीन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग रायपुर ले जाएंगे और वही जांच करेंगे कि क्या सही में इस स्ट्रक्चर से हड्डियों की तरह स्मेल आती है और क्या सही में ये फॉसिल्स के ही टुकड़े हैं। पुरातत्वविद मध्य कौनसी पौराणिक प्रतीकर चिह्नट एपरि ही करिथा, आमे भी सेया करूथिलु। रायपुर रे पुरातत्व गवेषक सहजरे कहि पारिबे एही पत्थर केते प्राचीन। आमे गवेषकंकु कौनसी कहानी कहिलु नाही, सीधा सळख जीवाश्म पत्थर को देलु, पचारिलु एहा केते प्राचीन। विशेषज्ञ खूब मन ध्यान दे देखिले एहा को ओलट पालट करे, एहा परे जहां कहिले ताहा आश्चर्यजनक थिला। तो ये जो आपने ये जो जीवाश्म जो बोल रहे हैं उसके टुकड़े लेके आए हैं और इस जीवाश्म के टुकड़े को देखने से और इसके उससे तो लग तो रहा है कि किसी जीवाश्म के में टुकड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हम अंतिम रूप से हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये जीवाश्म ही हैं। अर्थात दंडकारण्य थिबा सही बड़ पत्थर युग युग तलर एवं एथिरे जीवाश्मर अंश भी मिलछि, अर्थात स्थानीय लोकंक दाबी पाखापाखी सत। सेमिति तो श्रीरामंक सह जड़ित विश्वास पाई कौनसी प्रमाणर आवश्यकता नाही, किंतु एही प्रसंगटी रामायणर एक नुआ प्रतीकर संधान सह संश्लिष्ट। आमर दायित्व थिला तथ्यर संपूर्ण जांच करिबा परे आपण मानंक सामनारे सत्यकु उपस्थापित करिबा। एही पत्थर युग युग तलर एहा सत्य, एथिरे जीवाश्मर अंश भी अछि। वैज्ञानिक गवेषणा परे
संपूर्ण सत्य सामना को आसीब। किंतु एही पत्थर को आज भी श्रीरामों सह संश्लिष्ट एक बड़ प्रमाण भाव ग्रहण करा जाए। रामायण रे वर्णना अछि आतंक राज चलाइथिले राक्षसगण, धर्म कार्य रे बाधा सृष्टि करुथिले, मुनि ऋषि को हत्या करुथिले, एते क्रूर थिले जे मुनि ऋषि को अस्थि बा हाड़र एक पहाड़ हो जाइथिला। ए संपर्क रे प्रमाण खोजिबा किंतु एही विरति परे। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण रे वर्णना अछि जेतेबेले श्रीराम वनवास समय रे दंडकारण्य रे अवस्थान करुथिले से समय रे से राक्षस मानक उपद्रव संपर्क रे जानिबा को पाइले। रामायण रे एहा मध्य वर्णना अछि जे श्रीराम जंगल मध्य रे मुनि ऋषि मानकर अस्थिर पर्वत देखिबा को पाइथिले। से अस्थि को देखि श्रीराम इभली विचलित हेले जे से राक्षस मानकर सर्वनाश करिबा पाई शपथ नेले। तबे केउठी अछि से पर्वत, सतरे अछि ना केवल कहानी रे वर्णना अछि? जदिबा थिबो सेठरे मुनि ऋषि मानकर अस्थि थिला बोली प्रमाण कौन? आमे पूर्ण बहिपत्र घंटीरो अनेक लोकंक सहित आलोचना मध्य कलु आ जना पड़िला एमिते एक स्थान अछि मध्य प्रदेश रे। एहा परे आम टीम बाहरी पड़िला से पहाड़र संधान रे। रावणर सर्वनाश पाई श्रीराम अवतार ग्रहण करते, किंतु वाल्मीकि रामायण किसी पृष्ठारे किसी गुरुत्वपूर्ण घटनार वर्णना रही। श्रीराम वनवासी योद्धार परिणत हो गले। भगवान रामंकर धनुर टंकार राक्षस भयर सिहरी उठिथिले। आमर आउ एक टीम सेहीपरि एक प्रतीकर संधान रे मध्यप्रदेश सड़क रे यात्रा आरंभ कला। सेही प्रतीक एते गुरुत्वपूर्ण जे ता बिना रामायणर कल्पना असंभव। जहार कहानी जोड़ी होई रामंकर वनवास सहित, जेतेबेले तांकू राक्षस मानंकर आतंक संपर्क रे जना पड़िला सेतेबेले भगवान राम मुनि ऋषि मानंकर अस्थिर पहाड़ देखिथिले, जहाँ देखि से अत्यंत क्रुद्ध होते। आउ श्रीराम राक्षस मानक बध करने प्रतिज्ञा ग्रहण कले। विशेषज्ञ मानक मतरे अस्थिर से ही कूद एवं पर्वतरे परिणत हो जहाँ मध्यप्रदेश पान्ना ठारे अवस्थित। यहाँ सिद्धा पहाड़ कह जाए। तो फाइनली पहला क्लू मिल गया है मुझको सिद्धा पहाड़ का। काफ़ी देर से तलाश रहा था, ये बोर्ड मिला है जिसमें लिखा है कि सिद्ध पहाड़ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस क्लू के साथ साथ एक खतरा भी दिखाई दे गया है। खतरा क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ये पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है, उसके आसपास के जंगल हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो इन जंगलों में भी घूमते फिरते हैं, विचरते रहते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर वन प्राणी विचरण क्षेत्र है। तो दो खतरे हैं, एक तो फिसलन भी बहुत है बारिश की वजह से, और दूसरा जंगली जानवर मौजूद है और खासकर जंगल का राजा बाघ मौजूद है। बाबा ये सिद्धा पहाड़ कहाँ पर है? यही है। यही है? मान्यता अनुजाई एहा हेउची सिद्धा पहाड़ जहाँ मुनि ऋषि मानकर अस्थिर कूद थिला, जहाँ को देखि श्रीराम क्रुद्ध होइथिले। एही स्थान सहित लोकमानकर अतुट विश्वास जोड़ी होई रहिछि। ये सिद्धा पहाड़ हड्डियों की ढेर लगा हुआ था, तो इसको देखकर आश्चर्य हुआ भगवान को। तो उन्होंने पूछा, राम जी ने ऋषि मुनियों से, यहाँ सिद्ध बाबा जी रहते थे, तो उनसे पूछते हैं कि अस्थि समूह देख रघुराया पूछे मुनि न लाग अति दाया। तो ऋषि मुनियों ने फिर बताया कि निश्चर निकल सकल में ही खाए, राक्षस लोग आ करके सभी लोगों को यहाँ खा गए हैं, वही यहाँ पे ढेर लगा रखे हैं। अस्थि समूह देख रघुराया पूछे मुनि न लाग अति दाया। कहा जाए एठारे राक्षस माने
एते रक्तपात घटाइथिले जे एठारे पूरा अंचल रक्तरंजित होइ पडिथिला। एही कारणरु एठारे माटीर रंग बोथ हुए लाल। देखिए सिद्धा पहाड़ के सबसे टॉप पर शिखर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कभी ऋषि मुनियों की अस्थियों के ढेर से बना ये पहाड़ अब बजरी में तब्दील हो चुका है। लेकिन बजरी भी सबसे खास है। आपने ग्रे पत्थर, काले पत्थर के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन ये रंग बिरंगे पत्थरों का पहाड़ है। यहाँ पर एक रंग नहीं है, यहाँ पर लाल रंग है, यहाँ पर इस तरह का गुलाबी रंग है, यहाँ पर पीला रंग है, यहाँ पर क्रीम कलर है। हर तरह का कलर इन पत्थरों में मौजूद है, जो अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और मान्यता यह है कि ये ऋषि मुनियों की अस्थियों की वजह से इतना कलरफुल पत्थर इस पहाड़ में मिलते हैं और इसी वजह से लोग जो है बड़ी मान्यता रखते हैं इस पहाड़ की। तेबे अनेक लोग युक्ति करती जे मध्य प्रदेश रो तो लाल माटी देखा जाए, एथिरे नुआ कथा कौन? तेबे स्थानीय बासिंदा यहाँ स्वीकार करती ना। कहुए गोटे समय एमती भी थिला, एही सिद्धा पहाड़ हाड़ और पाउँश बाहर थिला। एही दाबी को विश्वास करुवा लोकों पर एठारे आउ एक प्रतीक अच्छी, श्रीराम पादर प्रतीक चिन्ह। कहुए यही स्थान श्रीराम पाद पड़ा। ये जो पाओ के निशान आप देख रहे हैं, ये मान्यता है कि भगवान राम के हैं। लिखा हुआ है कि वनगमन के वक्त भगवान राम यहाँ पर आए थे और तब उनके पाँव के निशान यहाँ पर पड़े थे और उन निशानों को आज तक सहेज के रखा गया है इस सिद्धा पहाड़ पे। तो सिद्धा पहाड़ पे लाल बजरी मौजूद है, जो मुनियों के, ऋषि मुनियों के खून से लाल हुई थी। सिद्धा पहाड़ पे भगवान राम के पैरों के निशान मौजूद हैं, लेकिन आसपास जितने भी राक्षस थे वो सब खत्म हो चुके हैं। आबादी चारों तरफ है। कभी ये पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन अब चारों तरफ आबादी है और उसके बीचों बीच ये निशान है जो ये बताते हैं कि भगवान राम कभी ना कभी यहाँ से गुजरे थे। अधा सत अधा के ऊपर आप देखुंत श्रीराम का योद्धा रूप। वर्तमान समय हो एक विरतिर। सीधा पहाड़ आग को जीवा धनु आकार दुईट पहाड़ देखा मिलला। यही स्थान नाम सारंगथर। कहुए राक्षस बधर प्रतिज्ञा करथिबा बेले सही स्थान रे भगवान राम धनु को तले रखिथिले। सेबेठारु एही पहाड़ धनु परि देखा जाए। इसे चमत्कार समझिए या फिर कुदरत का करिश्मा, लेकिन एक बात जो पन्ना में बहुत फेमस है वो ये कि आप सारंगधर मंदिर को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? सारंगधर का मतलब धनुष होता है और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक पहाड़ दिखाई देता है जिसका शेप बिल्कुल धनुष की तरह है। अगर आपने वो देखा हो, धनुष देखा हो, तो आपको पता है कि उसका आकार कैसा होता है। अब मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसकी फॉर्मेशन आप समझ लीजिए बिल्कुल एक बो की तरह, एक धनुष के आकार की है। आपको समझाने के लिए मैंने एक ये कटआउट काटा है और अगर इसको मैं अपनी स्क्रीन पर लगा दूंगा तो ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शेप बिल्कुल उसी तरह का है जैसा ये काटा हुआ। ये देखिए, ये अब आप देखिए, ये बिल्कुल पहाड़ ढक गया है। अब मैं इसको अगर हटाऊंगा तो आपको पहाड़ दिखाई देगा और ये मैं लगा दूंगा तो ये पूरा कवर हो गया। ये बिल्कुल धनुष के शेप का कटआउट है और ये पहाड़ जो है बिल्कुल उसी शेप के अंदर है जिस तरह से धनुष होता है। पहाड़ ऊपर सारंगधर रे सुतीक्ष्ण मुनिंकर गोटे आश्रम अवस्थित। कहुए श्रीराम एठारे प्रतिज्ञा करिथिले। तो पन्ना के सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंच चुका हूं, लेकिन इस जगह को इस नाम से कम जाना जाता है और सारंगधर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। सारंग के जहां तक मुझे पता है तीन मतलब होते हैं। एक सांप को भी इस इलाके में सारंग कहते हैं, मोर को भी सारंग कहते हैं और तीसरा धनुष बाण को भी सारंग कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धनुष बाण बना हुआ है। मान्यता यह है कि यही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने राक्षसों को खत्म करने की, क्योंकि ये पूरा जंगल का एरिया था, राक्षसों को खत्म करने का प्रण लिया था और प्रण लेने के लिए उन्होंने हाथ उठाया था। हाथ उठाने की वजह से उनको अपना धनुष जमीन पर टेकना पड़ा था, सारंग जमीन पर टेका था और इसी वजह से इस जगह का नाम सारंगधर है। और यहाँ बहुत सारे चमत्कार हैं जो कहानियां मैंने सुनी है। देखते हैं कि क्या हमको मिलता है सारंगधर में। सारंगधर आज एक तीर्थ स्थान परिणत हुई जो रामों सह संश्लिष्ट अनेक प्रतीक अच्छी।
एठारे श्रीराम धनु केउठारे रखिथिले ताहा कहिबा पई केही नहंती सबु किछि बदली जाइछि केवल एही बटवृक्ष व्यतीत। भाजाए एही गछकु श्रीराम निजे लगाइथिले प्रमाण स्वरूप गछरे थिबा अद्भुत पत्रकु देखाइ दिया जाए। लेकिन जो कहानी जो चमत्कार मैंने पेड़ के बारे में सुना था वो ये था कि इसके पत्तों का आकार जो है वो दोने के शेप में है, मतलब दोना अगर आप समझेंगे कि इस तरह से होता है। अगर आपने बरगद के पेड़ को, वटवृक्ष को देखा होगा, उसके पत्तों को देखा होगा, तो बिल्कुल प्लेन सीधे चिकने पत्ते होते हैं, लेकिन इन पत्तों के अंदर एक अजीब सी गुलाई है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये फॉर्मेशन देखिए, बिल्कुल उसी तरह से दोने के तौर पर ये पूरा का पूरा पत्ता बना हुआ है। जबकि अगर आप बरगद का नॉर्मल वटवृक्ष का पत्ता देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा समतल होता है, और इसकी फॉर्मेशन ऐसी है। मतलब जिस चमत्कार के बारे में सुना था इस सारंगधर मंदिर का, वो चमत्कार आपके सामने है। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषिंकर शिष्य थिले, जे एठारे वर्ष वर्ष धरी तपस्या करिथिले, आउ एठारे पहुंची ଭଗବାନ ରାମ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। କାହାଣୀ ଧନୁ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ଧନୁର ଅନେକ ଆକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। मंदिर में रामकुंड पर मैं मौजूद हूं, और रामकुंड के पास ही आपको ये पत्थर दिखाई देगा जिसके ऊपर धनुष बना हुआ है, यानी कि सारंग बना हुआ है जिसको कि जमीन पर टेका था। लेकिन ये इकलौती जगह नहीं है इस मंदिर में जहां पर इस तरह के शेप बने हुए, इस मंदिर में जगह जगह इसी तरह से धनुष के निशान बने हुए, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर धनुष को रखा था, ये कहना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप जिधर भी जाएंगे आपको इस तरह के, अब ये वटवृक्ष है ये अपनी जगह पर कायम है और यहाँ पर शेप ये बना हुआ है धनुष का, तो मतलब इकलौता स्पॉट ऐसा नहीं है जहां पर धनुष हो। आप जिधर भी इस मंदिर में जाएंगे, जिस तरफ भी जाएंगे, आपको इसी तरह के शेप दिखाई देंगे। सारंगथर निकटरे अवस्थित रक्सेलवा गाँ रामकथा अनुजाई एठारे प्रभु श्रीराम शह शह राक्षसकु वध करिथिले। रक्सेलवा राक्षस शब्दरु सृष्टि, मान्यता अनुजाई राक्षस मानंकु हत्या करी करी श्रीराम क्लांत हो जाते, विश्राम करने सीता और लक्ष्मण सहित से एठारे रात्रि जापन करते। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उन हजारों साल बीतने के बावजूद वो जो याददाश्त थी वो कहीं गायब नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो गया है कि वो सब कुछ मिट गया है, वो सारी चीजें बरकरार हैं। रक्सेलवा को छोट स्थान भाव हालुका भाव नि एक लंबा अनुसंधान पर मध्य प्रदेश रो एही गां को राम वनगमन पथरे सामिल करा जाई छी। एमिति अनेक प्रतीक अछि जहार आकार रंग समय सहित बदली चली छी, किंतु आजि भी लोक माने एही प्रतीक गुड़ी को श्रीराम को योद्धा रूप सह जोड़ी देखंती एवं विश्वास रो सह प्रणाम करंती। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଚିତ୍ର, ନୂଆ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।